पूरे भक्ति भाव और धूमधाम से शुरू हुई पवित्र चारधाम यात्रा इस दफा अव्यवस्थाओं की भीड़ चढ़ती नजर आ रही है। पहले तो वहां यात्रियों की रिकॉर्ड भीड़ परेशानी का सबब बनी हुई थी, तो वही दूसरी तरफ रील और वीडियोग्राफी करने वालों की वजह से भी हाल बेहाल बने हुए थे। लिहाजा अब उत्तराखंड सरकार ने रील वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। पूरी खबर क्या इस रिपोर्ट में आप देखिए। ढोल नगाड़े, भक्ति भाव और आस्था का ये सैलाब चार धाम यात्रा में चार चांद लगाने के लिए काफी था, लेकिन इसी भीड़ की वजह से इस साल चार धाम यात्रा आसानी से पूरी होती नजर नहीं आ रही है। पहले बेहिसाब भीड़, फिर प्रशासन की नाकामी और उसके बाद वीडियोग्राफी और रील बनाने का शौक चार धाम यात्रा की बद इंतजामी बढ़ाने के लिए काफी था। कोई रील बना रहा है तो कोई कैमरा लेकर शूटिंग कर रहा था। इन्हीं तमाम वजहों से चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला था, लिहाजा अब सिस्टम को दोबारा पटरी पर लाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं, जिनमें खास तौर से उन लोगों की मंशा पर पानी फिरेगा जो लोग चार धाम केवल इसलिए पहुंच रहे थे कि यहां वीडियोग्राफी करेंगे और रील बनाई जाएगी। उत्तराखंड शासन की तरफ से जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि मंदिर परिसरों में रील बनाने और वीडियोग्राफी पर रोक लगाई गई है। ये रोक 50 मीटर के दायरे में प्रभावी होगी। हालांकि मोबाइल रखने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि मोबाइल के जरिए लोग अपने परिजनों और पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, तो वहीं इन तमाम नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो मंदिर की पवित्रता को रखते हुए, श्रद्धालुओं का सम्मान करते हुए, जो भी लोग वहां जा रहे हैं मंदिर परिसर में, वो 50 मीटर की परिधि में कोई रील नहीं बनाएंगे या वीडियो नहीं बनाएंगे। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि मोबाइल से आप अपने लोगों से संपर्क करते हैं, कोई समस्या होती है तो आप प्रशासन को बताते हैं। दरअसल ये फैसले इस वजह से लिए गए हैं क्योंकि इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने यात्रा शुरू होने के पहले 6 दिनों में ही पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे, और रील के साथ साथ वीडियोग्राफी करने वालों की वजह से भी श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।